yeah, we've begun the madness already. Or Ma has arrived today. Or of course, sub members. Or our chutti ka din, so it's a good thing that everyone's here. We've got Ma today. Yeah, it feels a bit surreal. It's back to that time of the year. And yes. कोशिश वही होती है, काम भी होता है, and then Ma just, you know, ensures I am here every year, all the 3 days. Or I just look forward to, it's just that one time in the year, you know, it's just, it comes and goes away so fast that you want to make the most of it. So I'm really, really happy. We all look forward to it every year. So. पहली बात तो सबको दशहरे की शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा मौका है, टाइम है, अभी माँ का, देवी का स्थापना आज हुआ है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, पूरी मेंबर्स एक्साइटेड है, एक साथ है, और हमारी जो मूर्ति है वो सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी हाइट की है पूरा नॉर्थ बॉम्बे की. सो और हमारा जो डेकोरेशन भी है वो भी सबसे अलग होता है. वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनयूजुअल. तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि फिर से वो एक चीज़ आ गया है कि माता जी आई हैं हमारे यहाँ और हम सब मिलके पूजा कर रहे हैं. ऑफकोर्स पापा को तो बहुत मिस कर रहे हैं इस बार. वो इस बार US में है और लास्ट ईयर थे, पर इस बार वो US में है. पर बहुत ही मिस करूँगी बिकॉज हम तो बड़े हुए हैं और डैड, मेरे फादर भी बड़े हुए हैं शशिधर मुखर्जी के साथ और मुखर्जी परिवार के साथ. तो हम सब मिलके ये पूजा, ग्रैंड पेरेंट्स अपरेश लहरी, बांसुरी लहरी, सब ने शुरू किया था ये पूजा. तो ऑफकोर्स हम गोना मिस हिम अ लॉट बिकॉज उनका रहना एक अलग ही बात होता है, एक अलग ही चार्म है. और आई एम रियली गोना मिस हिम एंड मिस माई ब्रदर बप्पा लहरी ऑल्सो, हु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द पूजा, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट हियर दिस ईयर. But the show must go on, so thank you. Welcome. तैयारी हो चुकी है, आज माता की मूर्ति आ गई है पंडाल में, तो कितनी एक्साइटमेंट है? इनफैक्ट ये हमारा मतलब इट्स 72nd ईयर है और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट दुर्गा पूजाज इन यू कैन से इन बॉम्बे और वेरी प्रेस्टिजियस. और हमारे लिए एक इट्स अ बिग फैमिली गेट टुगेदर, हमारा पूरा कम्युनिटी प्लस फ्रेंड्स प्लस एवरीबडी हु हैज एसोसिएटेड विद अस फॉर द लास्ट 50-70 इयर्स, दे ऑल कम ओवर हियर. मतलब हम तो हम देखे हैं कि हाउ पीपल हैव ग्रोन इन दिस पूजा एंड दे ऑल वेट फॉर दिस पूजा. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज फॉर अस. ये एक्चुअली ये दुर्गा माँ बम्बे का सबसे बड़ा हाइट में है इवन इन वेट. तो इनको लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो फोक लिफ्ट लेके हमारे पास करीबन 40-50 हेल्पर्स होते हैं और जिस दिन हमारा इमर्शन होता है उस दिन हमको वी गेट अ क्रेन. और जू बीच का सबसे बड़ा इमर्शन हमारा दुर्गा माँ का होता है. तो इट इज़ एवरीबडी कम्स टू सी दिस इमर्शन बिकॉज हम दुर्गा माँ को हम क्रेन से उठाते हैं और सारा जू बीच में जितने लोग आए हुए हैं सब देखते हैं. एक्चुअली दुर्गा पूजा का 3 मेन डे होता है, एक सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, जिस दिन इमर्शन होता है. तो सप्तमी, अष्टमी या नवमी ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इज़ दैट हमारा जो भोग होता है. आई डोंट थिंक सारे इंडिया में जो मेन्यू यहाँ बनता है और जिस तरह हम भोग सर्व करते हैं एक एसी डोम में और हमारा पूरा फैमिली यहाँ जितने भी हमारे फ्रेंड्स सब सर्व करते हैं, करीबन 6,000 to 8,000 लोग एक दिन में खाना खाते हैं. तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स. तो दैट इज़ फॉर अस अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम वेट करते हैं. नमस्कार. पहले तो नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से सबको सबको बहुत बधाई हो. जॉइन अस 4 to 8 अक्टूबर एट टुलिप स्टार जुहू.
और मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरी इस साल 25 साल होगा इस पूजा कमेटी के साथ, और आई थिंक ये इंडिया की बेस्ट दुर्गा पूजा। मैं 25 साल से कलकत्ता नहीं गई हूँ, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइज, ये मुखर्जी फैमिली से शुरू हुआ था पूजा, आज एक बड़ा फैमिली हो गया। आई थिंक परमिता दी के पास आएंगे, शी इज़ वेरी एक्टिव आवर मेम्बर्स एंड द थिंग्स। जो यहाँ पे जो सबसे खासियत है, यू नो, लोग मुझे कहीं पे भी नहीं देखा, जो पूजा एंटरटेनमेंट सब चीज़ के साथ हम लोग सीनियर सिटीजन हो और ऑल जनरल पब्लिक को जो जिस हिसाब से हम वेलकम करते हैं, और आई थिंक एक एक दिन में 20 से 25 हज़ार लोगों को हम लोग भोग खिलाते हैं, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट है। एंड इट्स अ फैंटास्टिक पूजा, एंड दुर्गा माँ सबको अच्छे रखे, आप लोग आइए। नाउ आई थिंक वी इंट्रोड्यूस टू पारुमिता जी, पारुमिता सरकार। I think so. Welcome everyone. Today is Chaturthi. Today we have brought in the idol, and a few things about this wonderful puja that I really want to highlight, which some of my earlier members have already spoken, is how over the years we have actually brought in the element of using and doing everything that's environment friendly, whether even it's the packets in which we serve the prasads, in the way the idol is constructed, in the way the whole use of the pandal is done. We also put tremendous focus on how we entertain people who are physically less abled or people who are senior citizens, how we take care of every aspect of it, whether there is ramp, whether there is the right kind of fire evacuation systems. I think this is how this whole puja is just not a celebration, it's also taking care of a lot of other things to make it very all-rounded. We welcome you here. This is our 72nd year. A lot of us have become members over the year, and we are really proud to be associated with this celebration. Thank you. I'm missing my granddad very much, because whenever he comes, there's a glow in this puja. So he sings, so many songs, and everyone, the whole puja rises up, and I like this puja, and I want to be a part in this puja, and this Prathima is so big that it is as big as two buses. So joy Ma Durga, and nothing to say. So yeah. It's not the oldest puja, it is one of the oldest, 72 years. There, Shivaji Park is much older to our puja. And there's another one at Kalanya, some other puja is much bigger than ours, that's about 100 years. This thing is today we get the Prathima. Tomorrow we'll have the Sthapana done. That's the fourth, the actual puja starts from the fourth. That's when the life is given into the statue. Pran Pratishtha, what they call. So we have cultural program, we have bhog serve. Cultural program. Our biggest USB port is our bhog. Of course, everything has, our puja is not inferior to anybody. We have a special pandit to give the Pushpanjali, while the Sandhi puja and all the other puja, our pandit carries on. And we don't let anybody, if a man wants to give puja, we don't let tell them to go away. We'll give her enough time, our pandit will see that the man who has come, but we give the Pushpanjali and go. That is one very important point of our puja. That nobody goes disappointed. If they want to give the offer, the prayers to God, they can. Second point is that over 5,000 or 7,000 people we feed on the bhog day. And the bhog that we serve, we make people sit down, like a wedding barat, where all the visitors, they come, and our members, the children, the husband, wife, everybody, they personally serve all the visitors that come. And some people are lucky, Rani Mukherjee, Kajol, Ranveer Kapoor, Ayan Mukherjee, they also serve, so that is another bonus that the people get. So besides the staff facilities that is there, and in the night we have cultural program. Many people, they can't afford to see
big singers like Pritam, Shankar Mahadevan. So they, how many people can afford to buy tickets? But here, we don't sell tickets. The people who come here, they can witness the best of performances by Pritam, Sanasan. This year we have Udit Narayan, we have Suniti Chauhan, we have Richa Sharma, we have Indian Idols, and they are all performing this year. The puja is not beside the puja. What is most important is the service to the people. But that costs a lot of money for the services of the people. Like we have a fire brigade, we have security to see that the, you see, there is about a lack of people that is coming. And if there's a lack of people, if there's no coordination, there can be a stampede. And there can be a stampede. So that stampede, unless you organize it, the exits, the entry, the toilets, and all these things, not well. So that is the biggest challenge. And luckily, touch wood, that our puja, nothing, this stampede is not taking place. Imagine feeling, there are 5,000, 7,000 people who are going in and out. And you know, it can be a chaos if it's not managed well. People are washing their hands, cleaning their hands, everything. All these things have got to be well managed. Sorry. So that's what is the challenge. The main challenge is that. The puja is a routine that everybody does. That's what I feel. This is a tulip stuff. What time do we open gates to public and what time do we... The gates are open around the clock. People come to our puja at 5 o'clock in the morning. There are visitors, there are vans, buses that have tools that come, keep on going and coming. And there is no time. In the puja, it takes place normally in the morning, but visitors come until 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock. We have a food stalls that is open all the time. So people who want to feel like picnic, they have people come here with the family, sit down, have a picnic, and go away. That's what it is. Thank you. Thank you.